राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मानव शहर में क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चंद दिनों पहले संगमेश्वर में फायरिंग का मामला पेश आया था, जिसकी गूंज अभी तक खत्म नहीं हुई थी कि आज शहर के मछली बाजार कमालपुरा इलाके में एक और फायरिंग का मामला सामने आया है। इत्तला के मुताबिक कमालपुरा में किसी बात को लेकर दो लोगों में उज्जत तकरार होने लगी। इसी दरमियान शफीक ड्राइवर उर्फ मुन्ना नामी शख्स बीच बचाव के लिए गया, लेकिन मुजरिम ने उसे ही गोली मार दी। वादे रहे कि आज ही शफीक उर्फ मुन्ना के वालिद का इंतकाल हुआ था और अब उनके बेटे के साथ हुए इस हादसे से इलाके में गम, गुस्सा और दहशत का माहौल है। हालांकि पहले जख्मी शफीक उर्फ मुन्ना को जाकरा हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन फिर उसे सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया जहां उसका इलाज जारी है। इस ताल्लुक से साबिक कार्बोरेटर कुरैशी फाजिल फैजुल्ला ने क्या कहा है, देखिए वीडियो में। अभी 9 बजे के आसपास में मच्छी बाजार में शफीक जो जायद मेंबर के चचा है, इनके अब्बा का इंतकाल हो गया था। हम मैयत की जगह ही बैठे थे, वहाँ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों की टकटक होने लगी। फिर जो शफीक भैया के वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, ये हटाने गए हम कुछ दूर पे कुर्सी पे बैठे ले थे। ऐसा हुआ कि सामने से ना गोली चलने की आवाज़ ही, जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं पुलिस की गाड़ी भी आ गई। पुलिस ने जो आरोपी है उसको भी ताबे मिली और हमने यहाँ शफीक को फैसल सुलेमान के यहाँ पहले सिविल हॉस्पिटल में लेके गया और बाद में यहाँ ले गया फैसल सुलेमान के।